1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल पर एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक किया। इस हमले में ईरान की तरफ से इसराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें फायर की गईं। इसमें फतेह, गादर और एमाद जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं, और ये पहली बार था जब ईरान ने इसराइल पर फतेह मिसाइल फायर करने की बात कही। हालांकि इसराइल के अनुसार इनमें से अधिकतर मिसाइलों को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी सेना ने मार गिराया था और कहा था कि ईरान का ये हमला पूरी तरह से फेल है। लेकिन इसराइल से जिस तरह के वीडियो सामने आए उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि इसराइल ने काफी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ मिसाइलें अपने टारगेट्स पर भी हिट हुईं। और उसके बाद इसराइल ने ईरानी हमले में किसी भी बड़े नुकसान की बात से इनकार किया था। लेकिन अब अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस यानी एपी ने प्लैनेट लैब के हवाले से एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जिससे इसराइल के झूठ से पर्दा उठ चुका है। दरअसल ईरानी सेना ने कहा कि उसने आईडीएफ के निवातिम एयरबेस पर तैनात इसराइल के करीब 20 F-35I एदर लड़ाकू जेट्स तबाह कर दिए हैं। न्यूज एजेंसी एपी का कहना है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से ये साफ पता चलता है कि ईरान की मिसाइलें आईडीएफ निवातिम एयरबेस पर जाकर गिरी, जिसकी वजह से आईडीएफ के F-35 जेट्स के हैंगर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। यहां तक कि सैटेलाइट तस्वीरों में ये भी दिख रहा है कि एयरक्राफ्ट के हैंगरों की छत पर ईरानी मिसाइलों से एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। प्लैनेट लैब की तस्वीरों में ये भी साफ दिख रहा है कि एयरबेस के प्रमुख रनवे के पास बिल्डिंग की छत को बड़ा नुकसान हुआ और इस बिल्डिंग के आसपास मलबे के बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये नुकसान किससे हुआ और ना ही इजरायली सेना ने इन सैटेलाइट तस्वीरों पर कोई प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि निवातिम एयरबेस पर इसराइल के सबसे ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट F-35 स्टेल्थ जेट्स तैनात हैं। लेकिन एयरबेस पर हमले को लेकर एक बात अभी तक साफ नहीं हुई है, वो ये कि जब ईरानी मिसाइलें निवातिम एयरबेस के हैंगरों पर गिरी तब उसके नीचे कोई एयरक्राफ्ट था या नहीं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि अप्रैल 2024 में जब ईरान ने इसराइल पर पहला हमला किया था तो उस वक्त भी इस एयरबेस को हल्का नुकसान हुआ था। बड़ी बात यह है कि निवातिम एयरबेस पर 4 रनवे हैं, जो करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर के हैं, और ये नेगेव के रेगिस्तान के पास है, जो बीरशेवा से करीब 15 किलोमीटर और उत्तरी दिमोना से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और गौर करने वाली बात यह है कि इस एयरबेस पर F-35 की 3 स्क्वाडन 140वीं, 116वीं और 117वीं के साथ साथ C-130 विमान, बोइंग 760 टैंकर विमान और टोही विमान तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि निवातिम एयरबेस पर हमले के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिनमें कम से कम 20 से 30 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें इस बेस पर गिरती नजर आ रही हैं। और ईरान का ये भी दावा है कि उसने आईडीएफ के 20 F-35 जेट्स को तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि इजरायली सेना के पास F-35 स्टेल्थ लड़ाकू जेट्स हैं, जिन्हें इजरायली सेना की रीढ़ माना जाता है। हालांकि इन्हें अमेरिका ने बनाया था, लेकिन इजरायल ने इन्हें अपग्रेड करके इन्हें एक नया रूप दे दिया। इन जेट्स को F-35I यानी आदर जेट्स के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब ताकतवर होता है। आपको बता दें कि F-35I अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 का एक कस्टमाइज वेरिएंट है। आपको बता दें कि इजराइल का F-35I एदिर बेहद ही ताकतवर है, ये स्टेल्थ जेट दुश्मनों के रेडार को भेज सकता है। इसी वजह से ये इजरायली सेना का एक अहम हथियार है। ये 5वीं जनरेशन का जेट है, जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही अभियान समेत कई प्रकार के मिशंस को पूरा कर सकता है। अमेरिकी सेना ने पहली बार साल 2006 में F-35 को उड़ाया था और ये अमेरिकी मरीन में F-35B और एयरफोर्स में F-35A और अमेरिकन नेवी में F-35C के नाम से आया।
लेकिन इसके बाद इसराइल ने इसे अपग्रेड करके अपने बेड़े में शामिल कर लिया। इसराइल ने पहली बार साल 2018 में सीरिया में ईरानी सैन्य ढांचों को ध्वस्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था।